क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली पटेल नगर का रहने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे एग्जैक्टली काफी सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और लोअर बैक के में पेन की प्रॉब्लम थी और ऑन एंड ऑफ इन चीजों का जो साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से कभी मेरे को शोल्डर फ्रोजन फील होते थे या कभी पेन बहुत ज्यादा होती थी या स्वेलिंग फील होती थी मुझे अपनी बैक के अंदर, तो इस चीज के से मैं काफी ज्यादा परेशान था। कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया पहले आपने? मैंने दिल्ली एक विसन कुंज में हॉस्पिटल है स्पाइन से रिलेटेड, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ, डेनी स्पाइनल समथिंग, वहां गया था। वहां से मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ। मैं मेरे एरिया में पटेल नगर में एक स्पाइन के डॉक्टर हैं, उनके पास गया था। वहां से मुझे मेडिसिनल थेरेपी दी जा रही थी बट मुझे बोन स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। मेडिसिनली मुझे लगता था कि शायद उसे सप्रेस किया जा रहा है बट जब से मैंने मेडिसिन छोड़ी फिर दोबारा सेम सिचुएशन थी। उसके अलावा फिर एक बार मैं और तिलक नगर में एक डॉक्टर के पास गया था, तो वहां से वो मिक्स ट्रीटमेंट सी थी एक्यूप्रेशर और कायरोप्रैक्टिक की, बट वहां पे भी ऐसा है कि अगर आप रेगुलर जाते रहेंगे तो फर्क पड़ता रहेगा बट द मोमेंट यू स्टॉप वो दोबारा आपकी बॉडी उसी सिचुएशन में आ जाती है। तो अभी फिर मैं इंटरनेट से रिव्यू पढ़े थे और किसी नोन के थ्रू आपके पास आया था और अभी अभी जो प्रेजेंटली मुझे फीलिंग हो रही थी मॉर्निंग में वो मेरे फ्रोजन शोल्डर थे, मैं शोल्डर प्रॉपरली अपने जो था वो रिलैक्स नहीं फील कर पा रहा था। मुझे स्पाइन के अंदर जो थी स्टिफनेस थी और पेन थी और लोअर बैक के अंदर मुझे ऐसा फील होता था कि लाइक जैसे मेरा बैकबोन बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है और उसकी वजह से मुझे बहुत पेन था। तो अभी मैंने आपसे थेरेपी ली है और मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल लूज फील हो रही है और कहीं पे भी पेन नहीं है, सो ओवरऑल आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड राइट नाउ। दूसरे पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल की, फ्रोजन शोल्डर की, डिस्क की या कर्वेचर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब की थेरेपी के बारे में आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको एक ट्राई यहाँ पे जरूर देना चाहिए जहाँ पे भी आपने अभी तक ट्रीटमेंट्स लिए हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, बट मुझे लगता है एक बार डॉक्टर साहब से आपको एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए बिकॉज मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसी थेरेपी पहले कभी देखी? मैंने पार्शली कायरोप्रैक्टिक जो है वो थेरेपी ली हुई है बट जितनी डिटेल में आज मुझे थेरेपी मिली है मैंने इतनी डिटेल में कभी नहीं ली है, तो मैं ये कह सकता हूँ हार्डिस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतनी डिटेल में कायरोप्रैक्टिक। क्या आप फुली सेटिस्फाइड है? हाँ मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ।